बदलते हैं लोग बिन बताए कुछ इस तरह, वो नहीं बदले उन्हें जताना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? एक और नई सुबह में, एक और नई शानदार सुबह में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और ये मेरे व्लॉग्स हैं जिनमें आप मेरी ज़िंदगी मेरे थ्रू जीते हैं। तो आज ऑफिस जा रहा हूँ मैं, और यार मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ये फॉर्मल्स जो इन करके हम पहनते हैं ना, थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है पहनने में, बट कभी कभी मन करता है कि फॉर्मल टाइप का ऐसे इन विन करके पहन लो। तो आप लोग में से भी कोई ऐसा है क्या जिसको मतलब दिक्कत होती है? क्योंकि इसमें ना बार 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 आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कहीं से कोई टकिन निकल तो नहीं गया, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, इसलिए बड़ा मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है ऐसे पहनने में। बाकी आज पहन लिया मैंने, थोड़ा मन कर रहा था कि क्योंकि शर्ट की फिटिंग में थोड़ी वैसी सी है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट लेट्स सी आगे दिन भर में ऐसे ही रहता है या बार बार इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस चल के फिर आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा पटाखे फूटने लग गए, मेरे को लगा मेरे ऑफिस पहुंचने की खुशी में पटाखे क्यों फूट रहे भाई। चलते हैं ऑफिस। क्या भैया जी, आज हमसे जल्दी आ गए आप? वो भी मैगी। क्या है तू भाई? आज ही मैं सुबह बोल रहा था कि मेरे को जिम जाना है, वजन कम करना है, ये तो भाई साहब रोज जिम जा रहे हैं और अनशन खा रहे हैं रोज। जो प्यार से भरा था ना। हाँ, ये बात इमोशनल एंगल दे दिया ये अपने उससे बचने के लिए। और ये इतना सारा काम आज सुबह सुबह से अंदर जाओ आपके ये तो आज सारे ऑफिस वाले मिलके मेरे को रोज कुछ ना कुछ सरप्राइज दे रहे हैं, क्योंकि 11 को मेरा बर्थडे, तो आज कुछ और आया है। ओहो, रोज वाटर, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, मैं बहुत यूज करता हूँ तो इसलिए आया है। थैंक यू गाइस। अब व्लॉग करते हुए मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, और इन 1 महीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है व्लॉगिंग से वो ये है कि आपका मूड कैसा भी है, आप अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, आपको कैमरे के सामने आना है बार बार, तो उससे क्या होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब पहले मैं जितना ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें करता था उससे ज़्यादा करने लग गया हूँ, क्योंकि बार बार आई हैव टू बी ऑन माई टोज, बार बार कैमरा निकालना है, शूट करना है, फिर देखना है कि भाई अरे ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, अरे ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और इनिशियली तो वीडियोज़ काफ़ी लंबे बन जाते थे मुझसे, क्योंकि पता नहीं होता था कि एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा डालना है, कौन सा हिस्सा नहीं डालना है। अब थोड़ा समझ आने लग गया है कि इतना ऐसा शूट करना है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ धीरे 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 समझ आने लगी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं रिपीट करता हूँ बार बार, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं चाहता हूँ बोलना लेकिन बोल देता हूँ हर बार। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं, और विद टाइम वो चीज़ें बेहतर ही होंगी, क्योंकि आप अगर देखते हो वीडियोज़ वापस आके तब समझ आता है कि अच्छा इसमें ये गलती है, वो मैं करने लगा हूँ। अभी पुराने वीडियोस देख रहा हूँ ताकि समझ आए कि इसमें क्या गलतियाँ थी, क्या बेहतर हो सकता था, तो बस वो कोशिश है। और बाकी आप सब तो यहीं बताने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लगता है, क्या कमियाँ हैं, ताकि वो मैं सुधार सकूँ और बेहतर कर सकूँ। हम ऐसे ही दिन भर काम करते रहते जो मैं आप सबको दिखा नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि एक टाइम लैप्स लगा के आप सबको दिखाऊं कि हम लोग करते क्या हैं दिन भर। दीपक बाबू आए हैं हमारे ऑफिस, और दीपक के साथ अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं, दीपक लेके जाता है कहीं को भी, उसको ऑफिस में मज़ा नहीं आता, उसको बाहर ही मज़ा आता है। हम लोग आए खाने और ये इतना सारा कुछ आ गया है, ये है शौकीन असली आदमी। ये इतना ज़्यादा अच्छा था धुक्का, एक तो यहाँ पे मिलता नहीं है, यहाँ पे मिला और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। दीपक से मिलने के बाद फिर मैं वापस ऑफिस चले गया था, और उसके बाद अभी हम लोग आए दादू के पास। आज मेरा और मयंक मैचिंग मैचिंग हो गया कलर। और भाई मयंक से अभी लोकल का एक इवेंट होने वाला है, तो मयंक आजकल रोज़ वहाँ बिजी रहता है, ऑफिस काफ़ी कम आ रहा है, और आ भी रहा है तो आजकल चाय नहीं बना रहा है, ये अमृत तुल्य से चाय ले आता है। क्या भाई चाय क्यों नहीं पी? टाइम क्या बचा रहा है? वहाँ 10 रुपये की एक चाय आती है, 5 लोग पीते हैं 50 रुपये, यहाँ तो 24 रुपये की दूध का पैकेट लाता है और उसमें 1000 लोग पी लेते हैं चाय। थोड़े दिन की बात है, नहीं तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना यार ऐसे में। 10-20 क्यों? 24 रुपये रोज़ 24-24 रुपये वेस्ट कर रहा है तू। कोई बात नहीं, 24 से 5 रुपये। इतनी अच्छी चाय बनाता है ये मस्त, और ये रोज़ अभी अमृत तुल्य की चाय पिला रहा है। हम लोग दादू के पास आए, और
दादू से मैं मिलाता हूँ। पिछले कुछ दिनों में काम काफ़ी बढ़ गया है, तो अभी भी रश्मि यहाँ पे आए हम लोग, बट वो काम ही कर रही है। मैं भी बैठे बैठे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम जो है वो निपटा रहा हूँ। और क्या है, मैचेस चलते हैं ना, कोई भी मतलब क्रिकेट मैच चल रहा है मतलब, फिर मैं वो बिना देखे रह नहीं पाता हूँ। तो हॉटस्टार में मैं काम करता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, मैच चला देता हूँ ताकि बीच बीच में नज़र पड़ती रहे। और इंडिया के मैचेस तो यार फिर कोई कैसे ही छोड़ेगा, वो वाली बात हो जाती है ना। तो मेरे से मैचेस नहीं छूटते, अभी भी इतने साल हो गए लेकिन मैच में नहीं छूटता। दादू भी आ गए हैं हमारे साथ में, और प्रशंसा क्या होता है, दादू प्रशंसक नहीं, दादू तो मतलब दादू से ज्ञान लेने बैठते हैं हम लोग। दादू से आप जो पूछिए, दादू के पास हर सवाल का जवाब है। मयंक की बातों पे आप मत आएं, क्योंकि आजकल उसकी बातों में कोई भी नहीं आ रहा। और फाइनली ये काम से फ्री हो गई, इतना सारा काम करने के बाद थकान नहीं होती क्या आपको जरा सी भी? मास्क लगा के खाएगी मोमोज? कोविड का असर कम हो गया है वो इसी से पता चल रहा है कि जो भीड़ है ये वापस अब आने लगी है, मतलब लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। थर्ड वेव के बाद मतलब ऐसा हो गया था सीन के लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे, मतलब थर्ड वेव के पहले से, जैसे ही न्यूज़ आई कि थर्ड वेव जैसा कोई चीज़ आ सकती है तो लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे, ये पूरी जगह खाली रहती थी। अभी तो मतलब वापस से रौनक लौट आई है, लोग बाहर निकलने लग गए हैं, आ रहे हैं, इन्जॉय वीकेंड्स इन्जॉय कर रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो काफ़ी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। और अब हो भी जाना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि कितने समय तक इंसान अंदर रहेगा, कब तक मतलब ये चीज़ें फेस करता रहे इंसान, धंधे में नुकसान हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अच्छा है कि ये जल्द से जल्द मतलब ये कोविड का सीन जो है वो क्लियर ही हो जाए कि अब ये वापस नहीं आने वाला है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सबके लिए। मतलब वो जो एक असमंजस वाली स्थिति रहती है ना, वो नहीं रह जाएगी। अब ये जो टेबल है ना, ये हिलता है तो इसको बहुत दिक्कत होती है, और ये वापस इसको परेशान करना शुरू कर चुका है। जेरी तू है, क्योंकि जेरी ज्यादा परेशान करता है और टॉम चिढ़ता है हमेशा, तो ये टॉम है, ये चिढ़ती है। हाँ, तो इसलिए तो टॉम है ना, ये लगता है कि मेरे से, तो ये टॉम है, मैं क्योंकि जेरी हूँ। और वेजिटेरियंस को जिनको दिक्कत होती है ना कि भाई हम नॉनवेज नहीं खा सकते, तो हमारे लिए दादू ने एक स्पेशल चीज निकाली है, ये वेज मीट, और ये बना है सोया से, तो मतलब ये इतना स्वादिष्ट है, ये मैं अभी खाया, और नॉर्मली आजकल मैं खाने के उतने वो नहीं दिखाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग वापस ऑफिस जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से कल एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम है, हम लोग इसलिए आए थे, तो कल वापस आना है यहाँ पे 3 बजे के आसपास, और कल फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या काम है यहाँ पे, अभी ऑफिस चलते हैं। तो ऑफिस आ गया हूँ मैं, और वापस घर जाना है। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मतलब दिन भर का काम हो गया, सब हो गया, उसके बाद वापस घर जाने में आलस आता है, तो गाड़ी चला के मतलब बाइक जब आप शुरू लेते हैं ना, तो आपको बड़ा मज़ा आता है चलाने में। अब बाइक चलाते हुए मुझे 10-11 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, 12 साल हो गए, तो अब मतलब ऐसा हो गया है कि इरिटेटिंग लगता है। मोपेड में फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज करना वो सब दिक्कत नहीं होती, तो बाइक चलाने में बड़ा आलस आता है। आप मतलब सिटी में अगर गाड़ी चलाएं तो, लेकिन अब तो कार सीख रहे हैं, तो उसके बाद फिर और मतलब बाइक कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन कार इसलिए बेटर है क्योंकि कार में आप आराम से कंफर्टेबल अंदर बैठे होते हो, तो दोनों के अपने प्रो कॉन्स हैं। बाइक है तो कहीं से भी निकल जाओ आप तुरंत, लेकिन मोपेड जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको ना गियर लगाना है, ना क्लच की दिक्कत है, कुछ भी नहीं, आराम से बस गाड़ी निकालो और चले चलो। तो यहाँ पे छोटू की मोपेड थी पहले, बट अब वो भी घर में है वहाँ बाग बाहर में, तो इसलिए मेरी बाइक ही है, उसी का सहारा है। तो बस सामान पैक करते हैं और चलते हैं घर, घर चल के मिलते हैं आपसे। तो वापस लौट आया हूँ मैं घर, सबसे पहले ये ड्रेस चेंज कर लेते हैं यार, मतलब दिन भर ये पहने ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैं क्रिकेट का बता ही रहा था आप सबको, और ये देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं कितना बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारी इंडिया की जो पुरानी जर्सी है वो भी है, तो ऐसे इंडिया की जितनी जर्सी है मैं अपने पास रखता हूँ, और मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का, बचपन से रहा है शौक क्रिकेट का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी जो जितना हो सके उतना एटलीस्ट अपने अंदर का बच्चा ज़िंदा रखें, क्रिकेट के थ्रू वो हो जाता है, क्योंकि बचपन से स्पोर्ट का फ़ैन रहा हूँ, बचपन से मैं छोटू इतना खेले हैं, अभी भी खेलता हूँ जब मौका मिल पाता है। तो इसलिए वो क्या, कुछ ना कुछ चीज़ से आपको अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो गया तो फिर सब गया। आप बड़े हो जाओगे तो फिर आपके अंदर का जो अगर बच्चा मर जाएगा तो फिर ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए किसी ना किसी बहाने से अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए।
रूम आप कितना भी जमा लो, वो दो दिन में उसकी हालत वापस वैसी ही हो जाती है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, सिस्टमेटिक रख लो, एक दिन मैक्स दो दिन, तीसरे दिन चीज़ें आप इधर उधर रखोगे ही रखोगे, वो हो ही जाता है। मतलब आई एम गेसिंग कि सबके साथ होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो ये वीडियो बनता है, जो व्लॉग्स आते हैं, उसमें एक इंट्रो और एक आउट्रो म्यूज़िक बनाऊँ, जिसको कि मैं यूज़ कर सकूँ हर वीडियो में। तो देखते हैं कैसा टर्नआउट होता है। मैं आज कोशिश करता हूँ बनाने की, और अगर अच्छा टर्नआउट होगा तो मैं वो ज़रूर, हो सकता है कि इस वीडियो में यूज़ करूँ या इसके अगले वाले वीडियो में यूज़ करूँ। तो लेट्स सी, वो कोशिश करते हैं बनाने की। अगर कुछ अच्छा टर्नआउट होता है, कुछ अच्छा बन जाता है, तो फिर यूज़ कर लेंगे। तो बस आज का दिन बहुत ही सादा सिंपल सा था। आप सब मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, अपने जीवन में मेरे लिए भी समय निकालते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, दोनों स्वीकार करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।